ग्राम स्वराज अभियान के 17वें दिन अम्बाला शहर से विधायक असीम गोयल व सांसद रतनलाल कटारिया ने शहर के उगाड़ा में रात्रि ठहराव किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। हरियाणा के बेहतरीन गांवों में से एक है उगाड़ा। शहर जैसी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है ये गाँव। गाँव में ही पक्की इंटरलॉकिंग सड़कें, अंडरग्राउंड नालियाँ, CCTV, चौराहों पर स्पीकर व्यवस्था और RO प्लांट, स्ट्रीट लाइट सहित जैसी काफी सुविधाएं हैं। विधायक व सांसद ने इस दौरान पूरे गांव का भ्रमण भी किया और लोगों से बातचीत की। अम्बाला शहर विधानसभा का उगाड़ा गांव किसी स्मार्ट गांव से कम नहीं है, इसलिए इसे हरियाणा के बेहतर गांवों में से एक माना जाता है। गांव को जो ग्रांट मिली उसका सही इस्तेमाल गांव की पंचायत ने किया, जिसके कारण आज ये गांव चर्चा का विषय तो है ही, वहीं यह गांव एक मिसाल देश प्रदेश के गांवों के लिए भी बनता जा रहा है, जिसके कारण अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया व अम्बाला शहर विधानसभा से विधायक असीम गोयल ने यहां रात्रि ठहराव का फैसला लिया। विधायक व सांसद ने गाँव में रात को घूमकर गाँव की एक एक सुविधा को जांचा व परखा। गांव में सरपंच कार्यालय जहां पर एक माइक लगा है, जिसमें बैठकर गांव के सरपंच कुछ सेकंड में ही गांव के लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। यह माइक 20 स्पीकरों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही 100 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो गांव के सरकारी स्कूलों के कमरों में भी लगाए गए हैं। गांव में RO प्लांट है, जिससे ठंडा व साफ पानी लोगों को पीने के लिए मिलता है, जिसके लिए एक कैंपर के 200 रुपये महीना गाँव के लोगों से लिया जाता है। इससे पंचायत को आमदनी हो रही है, साथ ही गांव के 3 युवकों को रोजगार भी मिल रहा है। गांव की तरक्की देखकर सांसद रतनलाल कटारिया इतने गदगद हो गए कि उन्होंने कहा कि इसके बारे में वह सभी सांसदों को बताएंगे और इसका वीडियो भी वह मोदी ऐप पर अपलोड करने के साथ साथ संसद में इसकी चर्चा करेंगे और राहुल गांधी को इसके बारे में जरूर बताएंगे। अपने चिरपरिचित अंदाज में कटारिया ने विकास पर उंगली उठाने वाले राहुल गांधी व पूर्व मुख्यमंत्री को भी लपेटे में लिया। मैंने थोड़ी सी वीडियो इस गांव की अपने फोन से बनवाई है और अभी तो हम इसको रात को ही मोदी ऐप पे डाउनलोड कर देंगे और जैसे ही अब प्रधानमंत्री से मिलना होगा तो मैं यहां के सरपंच और इनकी टीम को पूरा पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके गांव की जो ये विकास की स्टोरी है, मैं अपने एक नहीं बल्कि भाजपा के जितने भी 340 MP हैं उसमें मैं उगाड़ा का जिक्र करूंगा और लोकसभा में जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो ये सारी पिक्चरें जो हैं मैं पार्लियामेंट के अंदर भी अपने जो लखते जिगर हैं सोनिया गांधी के राहुल उसको उगाड़ेगी ये पिक्चरें दिखाऊंगा कि कहते हो कि कहां काम हो रहा है। मैं कहूंगा उगाड़ा में जाकर देखो, आंखों से पट्टी उतारो, पता लगेगा कि काम यहां पर हो रहा है। तुमने तो 60 साल तक भारत को लूटा है। विधायक असीम गोयल भी गांव के विकास कार्यों से काफी खुश हैं। उन्होंने गांव में घूम गांव के विकास कार्यों को देखा तो कहा कि ऐसे गांव के लिए ग्रांट कोई नहीं रोक सकता, बल्कि ऐसे गांव के लिए तो फालतू पैसा दिया जाता है ताकि गांव का विकास ना रुक सके। विधायक ने कहा कि उन्हें काफी खुशी है कि उनकी विधानसभा का यह गाँव सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने गाँव की पंचायत को बधाई भी दी। विधायक असीम गोयल ने कहा कि गांव में इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, LED लाइट, CCTV जैसी सभी सुविधाएं हैं। विधायक असीम गोयल ने बताया कि गांव में बन रहे स्कूल के लिए 35 लाख रुपए की स्पेशल ग्रांट भी मंजूर की गई है, जिसके तहत स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। देखिए, मेरे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। आप इस गाँव में घूम के अनुभव करेंगे। ये मुझे लगता है हरियाणा का ऐसा पहला गाँव होगा जो अपने आप में एक सोल अनाउंसमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यानी यहां सरपंच साहब के ऑफिस में एक माइक रखा है, पूरे गांव के अंदर लगभग 20 से ज्यादा स्पीकर लगे हैं। इनको अपनी बात अगर गांव के लोगों तक पहुंचानी है, यहीं से एक बटन दबाएंगे और पूरे गांव के साथ इनका जो है मैसेज पहुंच जाता है। लगभग 100 से ज्यादा CCTV कैमरा पूरे गांव की निगरानी के लिए इन्होंने लगाए हैं। एक बड़ा RO का प्लांट ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके और 200 रुपये मासिक एक फीस उसकी रखी है, कैंपर 15 लीटर का हर रोज उस अमाउंट में ये अपने गांव के लोगों को देते हैं।
और सबसे बड़ी बात जैसा अभी आदरणीय सांसद महोदय कह रहे थे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये तो अभी शहरों में भी हम लोग सोच रहे हैं, कर नहीं पाए। स्वच्छ भारत मिशन के नाते अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम जो इस गांव के सरपंच साहब, उनकी पूरी टीम ने, पंचायत ने किया है। और जिस प्रकार से यहां के स्कूलों की एक समस्या थी, टेंथ तक का स्कूल था उसको प्लस टू का हमने सरकार से करवाया, और दोनों प्राइमरी विंग के और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 35 लाख रुपए की एक स्पेशल ग्रांट सरकारी स्कूलों में। और इनका दावा है, इनकी टीम का दावा है कि हम प्लेवे से सुंदर एक अच्छे मॉडल स्कूल का, प्राइवेट मॉडल स्कूल का एक मॉडल हम यहां बनाकर दिखाएंगे कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। गांव के अंदर इन्होंने पुस्तकालय खोला है बच्चों के लिए, सीनियर जो लोग हैं उनके लिए, और आगे भी ये अनवरत विकास का पहिया जारी है।